तो फाइनली दोस्तों इंतजार हुआ खत्म, क्योंकि अब ये कंफर्म हो चुका है कि द ट्राइबल चीफ द हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस कब और कहां रिटर्न आने वाले। तो डब्ल्यूई फैंस के दिमाग में सिर्फ दो सवाल है। पहला सवाल तो ये है कि रोमन रेंस कब रिटर्न आएंगे, और दूसरा सवाल ये है कि रोमन रेंस रिटर्न आने के बाद क्या करेंगे। तो इन दोनों सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, मिस करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि फाइनली अब रोमन रेंस के रिटर्न आने का वक्त आ चुका है। लेकिन इससे पहले मैं इस वीडियो को शुरू करूं, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए दोस्तों अब करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले मैं आपको देता हूँ पहले सवाल का जवाब कि रोमन रेंस कब रिटर्न आने वाले हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको ट्रिपल एच के इंटरव्यू पे ध्यान देना पड़ेगा। अब ट्रिपल एच का इंटरव्यू क्या था मैं आपको बताता हूँ। ट्रिपल एच का इंटरव्यू ये था कि अब समर स्लैम बनने वाला है रेसलमेनिया की तरह, यानी कि अब समर स्लैम में भी होगा नाइट वन एंड नाइट टू, यानी कि अब समर स्लैम में भी हमें कॉन्ट्रोवर्सी सरप्राइजेस देखने को मिलेंगी। वैसे तो पहले भी समर स्लैम में हमें कॉन्ट्रोवर्सी और सरप्राइजेस देखने को मिलती थी, लेकिन अब तो समर स्लैम नाइट वन और नाइट टू में बदल चुका है। ट्रिपल एच ने यह अनाउंस कर दिया है कि अब समर स्लैम नाइट वन और नाइट टू यानी कि दो दिन समर स्लैम देगा, यानी कि ये सीधी सी बात है कि अब नाइट टू में यानी कि समर स्लैम नाइट टू में रिटर्न आएंगे द ट्राइबल चीफ द हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस। रोमन रेंस के रिटर्न आना लगभग कंफर्म हो चुका है, लगभग कंफर्म क्या 100% कंफर्म हो चुका है कि समर स्लैम के नाइट टू में रोमन रेंस रिटर्न आएंगे, क्योंकि समर स्लैम के नाइट टू को बिग और बड़ा बनाने के लिए ट्रिपल एच के पास सिर्फ एक ही हथियार है, और वो हथियार का नाम है द ट्राइबल चीफ द हेड ऑफ द टेबल फॉर्मर अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूबी यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस। अब रोमन रेंस का रिटर्न लगभग समर स्लैम में कंफर्म हो चुका है, लेकिन अब दूसरे सवाल का वक्त है कि रोमन रेंस रिटर्न आके करेंगे क्या, रोमन रेंस रिटर्न आके आखिरकार किसे चैलेंज करेंगे, क्या रोमन रेंस टाइटल पिक्चर में जाएंगे या नहीं। ये सारे सवाल डब्ल्यूबी फैंस के दिमाग में घूम रहे हैं, डब्ल्यूबी फैंस को समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको इन सारे सवालों के जवाब देता हूँ। सबसे पहला सवाल का जवाब कि क्या रोमन रेंस टाइटल मैच में इन्वॉल्व रहेंगे या नहीं। देखिए दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि रोमन रेंस समर स्लैम नाइट टू में किसी भी टाइटल मैच में इन्वॉल्व रहेंगे, यानी कि वर्ल्ड हैवीवेट या फिर अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूबी टाइटल। अभी रोमन रेंस के रिटर्न आने के बाद रोमन रेंस किसी टाइटल पिक्चर में इन्वॉल्व नहीं होंगे। अगर रोमन रेंस टाइटल पिक्चर में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो फिर रोमन रेंस करेंगे क्या, मैं आपको बताता हूँ। रोमन रेंस चैलेंज करेंगे द ब्लड लाइन को, द ब्लड लाइन भी मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ सोलो सिकवा को। रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकवा का मैच हो सकता है समर स्लैम नाइट टू में। अब आप लोग बोलेंगे कि मैच होगा कि रिटर्न आएंगे रोमन रेंस, तो मैं आप लोगों की गलतफहमी दूर कर देता हूँ। रोमन रेंस का समर स्लैम नाइट टू में मैच होगा। अब समर स्लैम नाइट टू इतना बड़ा इवेंट बन चुका है, तो उसमें अगर रोमन रेंस का मैच ना हो तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए समर स्लैम के नाइट टू में द ट्राइबल चीफ द हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस का मैच होगा सोलो सिकवा के साथ, और ये मैच अनाउंस बहुत पहले होगा, यानी कि मनी इन द बैंक के बाद। डब्ल्यूबीई का नेक्स्ट पेपर व्यू मनी इन द बैंक है, और उसके बाद आएगा समर स्लैम। तो समर स्लैम और मनी इन द बैंक के बीच में रोमन रेंस की रिटर्न की अपडेट आएगी। रोमन रेंस इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सोलो सिकवा को चैलेंज करेंगे, और उसके बाद समर स्लैम के नाइट टू में होगा रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकवा का मैच। लेकिन ये मैच इतने आसान नहीं होगा, इस मैच में ओल्ड और न्यू दोनों ब्लड लाइन इन्वॉल्व होगी। वैसे भी रोमन वर्सेस ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन अभी बहुत लंबी जाने वाली है, तो आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि रोमन रेंस के रिटर्न को लेके आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हो। मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में डब्ल्यूबी के नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।